हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, लक्ष्य लालवानी लॉन्च हो गया है, डेब्यू पिक्चर है, नाम है पिक्चर का किल। और हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू और विग्नेश ने ये पिक्चर देखी है, जानेंगे उनसे किल कैसे लगी। गोलू सर जी, ये मैं पहले ये रिव्यू करने के पहले बोल देना चाहता हूँ, जितने भी कमज़ोर दिल वाले हैं जिनका भी बहुत फेंटेड आर्ट है, वो कृपया करके ये रिव्यू भी ना देखे और ये पिक्चर भी ना देखे। यही मैं बोलने वाला था, क्योंकि ये इतना जबरदस्त और रॉ एक्शन दिखाया गया है कि मैं बोलना चाहता हूँ इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म एवर मेड। और मैं बोलता हूँ, जैसे हमारा समूह बोलता है ना कि संदीप के गाने में दम है, उसने एनिमल बना, इतना सब दिखाया, कुछ नहीं था, वो ट्रेलर था, असली पिक्चर ये है। आपने ये नहीं देखा मतलब आपने वायलेंट चीज अभी तक कुछ देखा ही नहीं। और मैं बोलना चाहता हूँ समूह को, ये रिव्यू में काउंटर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे संदीप के गाने में दम है तो हमारे यहाँ निखिल के गाने में दम है। बहुत जबरदस्त एक्शन लगा। और मैं लक्ष्य के बारे में तारीफ करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल लगा नहीं कि उन्होंने डेब्यू किया है, क्योंकि वैसा एक डेब्यूटेंट होता है ना कि मतलब कुछ हेजिटेट होता है कुछ करने में, कुछ मोनोलॉग्स रहते हैं, डायलॉग्स रहते हैं, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस रहते हैं, वो जमता नहीं है फ्रेम पे, स्क्रीन पे वो दिख के आता नहीं है कि जम रहा इसको करके। लेकिन जब हमने लक्ष्य को देखा, इतना ध्यान से देखा, और जो सेकेंड हाफ का उनका पागलपन देखा, आफ्टर द हीरोइन वॉज गॉन ही इज गॉन मैड वेंचर, मतलब पूरी खून की नदियां बह रहा था, मतलब वो नहा रहा था, लिटरली खून में नहा रहा था। और वो सर जी क्या एक्शन सीन था, वो चाकू डायरेक्ट डाल देना, मुंडी आधी टेढ़ी कर देना, क्या चल रहा है ये, मतलब मेरा माइंड ब्लो हो गया। और मैं बात करना चाहता हूँ सर जी हीरोइन की भी, हीरोइन ने भी बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन हमारे कॉकरोच, क्या नाम है इनका, राघव जुएल, मेरे को उनका पेट नेम भी हमेशा याद रहता है, बहुत कैची है और वो बंदा है ही कैची। मैं बोल रहा हूँ आने वाले टाइम में इनको विलन के रोल और मिलेंगे, इनका डिमांड अब बढ़ेगा, क्योंकि लगा है सर जी उसमें उनका डायलॉग वो बोलते टाइम क्या मस्त लगा है, मतलब ऐसे कोई मारता है। और सर जी इतना बैड है उसका काम रहा है ना सर जी, डांसिंग से अच्छा उसने यहाँ पे परफॉर्मेंस भी दिए, इट्स अ कॉम्बो पैकेज ऑफ डांसर भी है, अच्छा होस्ट एंकरिंग भी कर लेता है, और अभी देखो सर एक्टिंग में भी इतना धमाका मचा दिया उसने। मैं बोलना चाहता हूँ इट्स अ फुल पैकेज ऑफ एक्शन, मासेस के लिए ये ट्रीट है। और मैं बोलना चाहता हूँ ये सभी को एक बार देखनी चाहिए। और ये पहली बात तो आर रेटेड फिल्म है, आपने यू ए देखा है, ए देखा है, यू देखा है, लेकिन आपने आर रेटेड वाली पिक्चर में देखी है, इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड पिक्चर। तो मैं कहना चाहूंगा जितने भी कमजोर दिल वाले हैं वो ऐसे शेर दिल वाले के साथ में जाके ही पिक्चर देखिए। शेर दिल वाले को पूछेंगे विग्नेश कैसी लगी किल। इन्होंने बोला था कि इंडिया फर्स्ट मूवी, मैं भी बोलना चाहूंगा ये इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जिसके बारे में इन्होंने सब कुछ बता दिया और मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं बहुत बताने के लिए। खैर किल, ये पिक्चर एक्चुअली सच में किल कर दिया यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस लक्ष्य, मतलब कि उनमें क्या है यार, मतलब एक तो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो, बोलते हैं ना मतलब कि कितने सारे वायलेंट मूवी भी आई है तो ये तो देख के कर सकते हो। धड़कने बड़ी कि नहीं, बाप रे कसम से, मैं एक्चुअली ये सब चीजें ट्रेलर में जब देखा था ना तभी मेरी होश उड़ गई थी, और यहाँ आया ये पिक्चर को देखा मैं ही उड़ गया था एक सीन पे, वो चाकू वाला जो सीक्वेंस, बाप रे माँ कसम से, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है, लेकिन व्हाट अ डायरेक्शन यार, मतलब कि निखिल भट्ट ने क्या डायरेक्शन दिया यार, मतलब कि एक बोलते हैं ना हमने इतने सारे वायलेंट मूवी देखी है लेकिन ये मूवी है ना सबका बाप है ऐसा लग रहा है। भले ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो एज कंपेरेटिवली बाकी पिक्चरों के हिसाब से कम है ड्यूरेशन, एंड मोस्ट ऑफ द पिक्चर ट्रेन के अंदर दिखाया है, एंड लेकिन क्या एक्शन दिखाया है यार, किसी का मुंह जलाना और वॉशरूम, मतलब कि वो कमोर में उनको, मेरे पास वो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार सच में, मैंने फील कर लिया कि मैं ही मार खा रहा हूँ। अरे यार वैसा नहीं है लेकिन क्या मतलब, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, मतलब अगर आपको किसी पे गुस्सा है तो आप जाके उसको मारो मत, ये पिक्चर देखो आपका पूरा फ्रस्ट्रेशन आपका निकल जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि यार एक बार तो देख ही लो ये पिक्चर। ओके ओके, हीरोइन कैसी लग रही थी? हीरोइन बहुत अच्छी थी, उनका काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन सब फोकस लक्ष्य पे था, लक्ष्य था मैं बोलूंगा। भाई का दिल टूटा था जब राघव जुएल ने जो हादसा कर दिया ना यार, इंटरमिशन के पहले, इनका इंटरमिशन हो गया बेचारे का। एक्चुअली स्पॉइलर नहीं देंगे लेकिन जबरदस्त पिक्चर है, क्योंकि इतना हार्डकोर एक्शन है ना, मतलब कि आपको होश उड़ा देगा। जबरदस्त रिपोर्ट आई है मुंबई के टू इडियट्स गोलू और विग्नेश से फॉर किल। किल यस।
सर जी एक चीज का वन ऑफ द मोस्ट एक्शन थ्रिल यस यस मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर जी, ये अगर ना बोलूं पहली बार ऐसा मन हुआ है कि क्रेडिट देना बनता है जिसने भी एक्शन कोरियोग्राफ किया है। ये हम कभी ध्यान देते नहीं है, बहुत सी एक्शन फिल्में देखते लेकिन इसमें जो एक्शन इन लोगों ने कोरियोग्राफ करवाया जिन्होंने भी, उसको हैट्स ऑफ है, जबरदस्त हॉलीवुड में। और हाँ सर जी, वो तो बहुत इमर्जिंग सनसनी न्यूज है एकदम गर्म, जॉन विक की जो इतना बड़ा फ्रेंचाइज है हॉलीवुड का, उन्होंने पहले ही कंफर्मेशन दे दिया कि किल का रीमेक वहां पे वो लोग करने वाले हैं, तो इसको ऑलरेडी बड़ा बजट वाला पुश मिल चुका है और इसको कुछ जरूरत नहीं है। यस, जो एक्शन आप देखोगे ना थोड़ा हॉलीवुड लेवल का आपको थोड़ा वाइब्स आ जाएगी। यस सर, और सर जी इन्होंने है ना ऐसा कुछ रखा नहीं कि बड़ा आप ज्यादा बड़ा रखेंगे स्टोरी बिल्डअप करेंगे, नथिंग, इट्स अ प्लॉट स्टोरी, धपा धप आपका ना स्क्रीन प्ले पावरफुल होना चाहिए। मेरे तरफ से तो मैं 4.5 दे दूंगा, 4.5 की तरफ से जाके देखिए पिक्चर, कमेंट्स में जरूर लिखिए, जरूर जरूर। लक्ष्य का डेब्यू इन किल। और सर जी मैं बोल रहा हूँ ये पिक्चर भले ही कितने भी स्क्रीन मिले, अब इसके स्क्रीन और बढ़ेंगे, शोज बढ़ेंगे इसके, चलेगी पिक्चर। डायरेक्टर को हैट्स ऑफ यार, इतना अच्छा बेहतरीन डायरेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।